हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लूस हेयर। ये एक चैप्टर का नाम है। हम इस चैप्टर के हर सब सेक्शन को डिस्कस करेंगे और आज इस लेक्चर में जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हेयर ग्रोथ साइकिल। क्या होगा वो? हेयर ग्रोथ साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो कि हमारा मेन टॉपिक है सुपरफ्लूस हेयर, तो हम समझते हैं कि भाई ये सुपरफ्लूस हेयर क्या होते हैं। तो सुपरफ्लूस हेयर से आप समझें अवांछित बाल। अवांछित बाल मतलब जो एक्स्ट्रा बाल है। कैसे बाल हैं? जो एक्स्ट्रा बाल हैं। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हमें ये समझना है कि कॉस्मेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। हम किसी भी इंसान को हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अवांछित बाल होते हैं, जो शरीर पर एक्स्ट्रा बाल होते हैं, वो बाल सुंदरता को कम कर देते हैं। तो यानी कि अगर हमें किसी को सुंदर बनाना है तो हमें ये जो एक्स्ट्रा हेयर हैं ये रिमूव करने हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सुपरफ्लूस हेयर यानी कि अवांछित बाल कौन से होते हैं, तो आपको बोलना है कि जो बाल किसी की सुंदरता को कम करते हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, वो बाल कहलाते हैं सुपरफ्लूस हेयर। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां के बाल हम टेम्पररी रिमूवल मतलब अस्थाई निवारण करते हैं उनका, उनको हम परमानेंटली नहीं हटाते, हम उनको अस्थाई रूप से हटाते हैं। तो कौन कौन से बाल हैं ऐसे, कौन फीमेल्स स्पेशली, दिस लेक्चर इज फॉर फीमेल्स। हमें पता है कि बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जो ट्रेड है वो केवल फीमेल ट्रेनीज के लिए है, तो यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे उसका रेफरेंस केवल फीमेल्स के लिए ही है। तो यानी कि सबसे पहला तो बहुत ईजी है आईब्रोज, राइट? सबसे आसान है आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं इनको हम टेम्पररी ही रिमूव करते हैं। सेकंड, हमारी अपर लिप्स, दिस अपर लिप्स के हेयर्स को भी हम टेम्पररी ही रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स के हेयर्स को भी, लेग्स के हेयर्स को भी, अंडर आर्म्स के हेयर्स को भी, ये सारी लोकेशन जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में, इन सब के हेयर को हम टेम्पररी ही रिमूव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिंपली बोलना है कि जो बाल जिनकी जरूरत नहीं होती और जो किसी इंसान को सुंदर बनने से रोकते हैं, मतलब सुंदरता को कम कर देते हैं, वो जो बाल होते हैं दे आर सुपरफ्लूस हेयर। और इनके ही रिमूवल को कैसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम रिमूव कर सकते हैं, वही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मतलब इतिहास में जाए थोड़ा सा, तो बच्चों पहले के जो तरीके होते थे जिनसे बाल रिमूव करते थे वो बहुत पेनफुल होते थे, मतलब उनमें बहुत दर्द होता था। लेकिन अब क्या है, अब हमने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिनसे पेन नहीं होता है और बाल जो है वो टेम्पररी रिमूव हो जाते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होगा उसको बाल हटाने से पहले सबसे पहले ये जानना है कि जो बाल हैं हमारे उनकी वृद्धि कैसे होती है, मतलब जो बाल हैं, अब हम सर के बालों की बात करें तो उन बालों की ग्रोथ कैसे होती है। आप एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट तभी बन सकते हैं जब आपको ये पता हो कि हमारे जो बाल हैं, आप किसी का भी बाल देखें, आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ आपके बाल जो है वो इस सिचुएशन में है। अब मान लो तुमसे किसी ने ऐसी पूछ लिया कि भाई मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, कुछ रास्ता बताओ, तो आप ऐसे नहीं कि कुछ भी बता देंगे, आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसके बालों को देखेंगे, जज करेंगे कि भाई इस बालों में क्या प्रॉब्लम है, बाल एक्चुअली किस कंडीशन के हैं। अब किस कंडीशन के हैं ये वाला टॉपिक आप तभी समझ सकते हैं जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हेयर ग्रोथ साइकिल यानी कि केश वृद्धि चक्र के बारे में जब हम जान लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हेयर ग्रोथ साइकिल।
चलिए समझते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल से हमें क्या समझ में आता है। हेयर ग्रोथ साइकिल, देखो उस बच्चों, एक आपको सामने जो है एक फिगर दिखाई दे रही है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रेस्पेक्ट में भी और आपकी नॉलेज के रेस्पेक्ट में भी। हेयर ग्रोथ साइकिल के लिए हिंदी में जो बच्चों को जानना है वो है केश वृद्धि चक्र। अब क्योंकि ये एक साइकिल है, मतलब क्या है, एक चीज खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी शुरू होगी, फिर से पहली पे आ जाएगी। यानी कि जो बाल हैं हमारे, जब वो ग्रो करते हैं, जब वो बढ़ते हैं, तो वो एक साइकिल को फॉलो करते हैं और उस साइकिल के अलग अलग फेज हैं और हमें उस हर फेज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला फेज जो होता है वो है एनाजन। क्या है, देखो बच्चों, एनाजन, और एनाजन फेज का ही दूसरा नाम कहलाता है ग्रोथ फेज। अब इससे ग्रोथ शब्द से खुद ही समझ में आ गया, मतलब जहां बढ़ रहा है कोई चीज, जब बढ़ती है तो वो ग्रो करती है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ फेज में क्या होता है। ग्रोथ फेज हमारे जीवन का, हमारे बाल के जीवन का सबसे लंबा फेज होता है, जिसमें अब आपको ये पता होगा हमारे जो बाल हैं वो इंचेस में बढ़ते हैं, बहुत थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, राइट। तो जो ग्रोथ फेज है ये हमारी बाल की लाइफ का सबसे बड़ा फेज है, मतलब ज्यादातर समय हमारे जो बाल हैं वो इसी फेज में रहते हैं, ग्रोथ फेज में, राइट। क्यों रहते हैं ऐसे, क्योंकि इस फेज में, यहाँ देखो आप डायग्राम पे ध्यान से देखो, हमारे बाल, ये रूट है बाल का, ये हमारे बाल का हेयर फॉसिल है, ये ब्लड सप्लाई है, तो हमारी ब्लड सप्लाई रूट को मिल रही है, मतलब जो भी चीजें, जो भी नरिशमेंट, जो भी अच्छी चीजें बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए हमें, जो भी प्रोटीन चाहिए वो हमारे बालों को मिलता है और हमारे बाल जो है वो बढ़ते हैं इंच वाइज इंच, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक बात बताओ, बाल जो है वो विंटर्स में कब बढ़ते हैं, समर्स में ज्यादा बढ़ते हैं, ये ट्रू है, जो हमारी ग्रोथ का जो रेट है वो समर्स में ज्यादा होता है विंटर की अपेक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और दूसरा पॉइंट, ये चरण जो है हमारा वो 3 से 5 साल का होता है, ठीक है, यानी कि 3 से 5 साल का मतलब हमारे जो बाल हैं वो 18 से 30 इंच बढ़ जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रोथ साइकिल है, हर बाल अलग अलग साइकिल ग्रोथ के फेज में होता है, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे बाल एनाजन फेज में है, सारे के सारे कैटाजन फेज में, नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सब गंजे हो जाते, सबके बाल होते एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप ध्यान से सुने मेरी बात, सब फेज, हर बाल अलग अलग फेज में होता है, लेकिन हर बाल हर फेज में जरूर आता है कभी ना कभी, राइट। तो एनाजन से समझ में आया, ग्रोथ फेज पहला चरण है, ये क्या है, ये पहला चरण है हमारा। अब इसी में अगर हम समझें दूसरे चरण की बात करें, तो हमारा दूसरा चरण है बच्चों कैटाजन फेज। क्या है, ट्रांजिशन फेज, सेकंड इज कैटाजन फेज। अब कैटाजन से आपको क्या समझ में आता है, देखो कैटाजन में क्या होगा, ये देखो यहाँ रूट से जुड़ा था हमारा बाल, यहाँ पर देखो ये इससे डिटैच हो गया, ये इससे अलग हो गया। अब क्या होगा, अगर ये अलग हो जाएगा, यहाँ से जो ब्लड सप्लाई मिल रही थी, इसको जो जा रही थी वो अब नहीं मिलेगी, मतलब हेयर को जो नरिशमेंट चाहिए वो उसको मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, बाल जो है वो धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे, उसमें बदलाव आ जाएगा। और ये जो कैटाजन फेस होता है बेटा, ये 10 दिन के लिए होता है केवल, ये कितने दिन के लिए होता है, केवल 10 दिन के लिए। तो मतलब जब आपका बाल पूरी तरीके से ग्रो हो गया एनाजन फेज में, वो धीरे धीरे उसने क्या करा, अपनी रूट को छोड़ने लगा वो, और ये चीज हुई 10 दिन के लिए। अब बाल जो है वो नेक्स्ट फेज में आएगा, और नेक्स्ट फेज को आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा है हमने टेलोजन। क्या लिखा है हमने स्टूडेंट्स, टेलोजन। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट फेज विल बी टेलोजन, जिसको हमने एक नया नाम दिया वो है
रेस्टिंग फेज, क्या है ये? रेस्टिंग फेज। अब देखो रेस्टिंग फेज क्या है, अब देखो यहां से सेकंड वाले लेवल पे उसको नरिशमेंट मिलनी कम हो गई, मतलब जो चीजें उसको चाहिए बालों को स्ट्रांग बनाने के लिए वो उसे अब खून से नहीं मिल रही, तो अब क्या होगा, वो धीरे धीरे मरने लगेगा। तो टेलोजिन फेज में क्या होता है, विदाउट नरिशमेंट, बिना किसी नरिशमेंट के बाल जो है वो डाई हो जाता है, मतलब बाल जो है वो मरने लगते हैं और वो टूटने लगते हैं, यानी कि बालों की जो पूरी एक बाल की जो पूरी जिंदगी है वो अब खत्म हो गई है और बाल जो है वो झड़ रहा है। अब सबके बाल झड़ते हैं और लगभग एक दिन में 100 बाल भी झड़ते हैं लोगों के, 100 बाल, और ये जो है 100 बालों का झड़ना जो है स्टूडेंट्स वो कोई मतलब डरने की बात नहीं है, वो बहुत कॉमन फेज है। क्यों? क्योंकि हमारे सर पर बहुत बाल हैं और हर बाल अलग अलग फेज में है, कोई बाल एनर्जिन फेज में है, कोई बाल कैटोजिन फेज में है, कोई बाल टेलोजिन फेज में है। अब क्या होगा देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम में केवल 3 फेज थे, लेकिन एक और फेज होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोजन। क्या कहते हैं हम? एक्सोजन फेज। अब वो क्या होता है, एक्सोजन फेज होता है हमारा बाल, अब एक्सोजन फेज मतलब न्यू ग्रोथ, नया बाल आने लगेगा, और जैसे ही नया बाल आने लगेगा और वो कौन से फेज में चला जाएगा नया बाल, फिर से एनाजन फेज में। किस में चला जाएगा बच्चों? एनाजन फेज में। तो अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बालों की ग्रोथ साइकिल बताइए और कौन सा फेज कौन सा होता है, तो आपको बहुत इजीली मेरे समझ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला फेज होता है एनाजन फेज, जिसे हम एक नाम दिया ग्रोथ फेज, सबसे लंबा यही होता है, राइट। सेकेंड दिया हमने कैटाजन फेज, जिसको हमने बोला ट्रांजिशन फेज, मतलब बदलाव आ रहा है, ट्रांजिशन का मतलब होता है बच्चों बदलाव, ठीक है। थर्ड हमने बोला टेलोजन फेज, क्या बोला? टेलोजन फेज। इसमें क्या हो रहा है? रेस्टिंग फेज है ये, बाल जो है वो अब मर रहा है। और नेक्स्ट फेज जो हमने बोला वो है एक्सोजन, जिसमें क्या हो रहा है? न्यू ग्रोथ हो रही है, नया कुछ आ रहा है, तो ये साइकिल ऐसे जाती है। देखो एनाजन, एनाजन से कैटाजन, कैटाजन से टेलोजन, फिर एक्सोजन और फिर नया बाल आएगा, और हर लाइफ, पूरी लाइफ में हर बाल हर फेज से गुजर के जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, बट हमारे आज के टाइम में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं क्या, हमारे बालों के ग्रोथ को, विकास को। तो इसी के अंदर हमको एक सब हेडिंग पढ़नी है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेयर ग्रोथ, राइट, जिसको आप बोल सकते हैं बालों के विकास में कौन से कारक बाधक हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि हेयर ग्रोथ को रोकती हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो मेन है वो है हमारी अपनी सेहत, ओन हेल्थ, हमारी सेहत ही है। अगर हम नरिशमेंट वाली चीजें नहीं खाएंगे, अगर हम टेंशन में रहेंगे, बीमारी होगी कोई, तो क्या होगा, हमारे बाल जरूर झड़ेंगे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे सर में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो भी हमारे बाल झड़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे सर में सही नहीं है। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हम सब की प्रॉब्लम है क्या, डैंड्रफ, क्या प्रॉब्लम है सबकी, डैंड्रफ, अगर बालों में डैंड्रफ होगा तो भी हमारे बाल झड़ेंगे और हमें नए बाल आने में हमारी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज स्प्लिट एंड्स, हम सबको पता है स्प्लिट एंड क्या होते हैं, हमारे बालों में लास्ट में दो मुहे बाल आ जाते हैं, और जो दो मुहे बाल होते हैं उनकी वजह से भी नए बाल जो है वो ग्रो नहीं करते। ये सब मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट्स हैं। और पॉइंट क्या हो सकते हैं,
हार्मोनल डिसबैलेंस। देखो हार्मोनल चेंज, हमारे शरीर में अगर कोई ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे, उससे भी बालों में फर्क पड़ता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत लोगों के बाल टूटने लगते हैं, ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हेल्थ में ही था वैसे ये, लेकिन मैं इसको एक अलग से लिख देती हूँ, स्ट्रेस। अगर आपको किसी चीज का तनाव है तो भी आपके बाल जरूर टूट सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पोषण की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आपको पोषण की कमी है तो भी आपके बाल टूट सकते हैं और अच्छी तरह ग्रो नहीं करेंगे। अगर आप अपने बालों को बहुत ज्यादा धूप में रखें, उनको क्या करें, उनको बचा के ना रखें, तो जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी बालों को खराब कर देती है, राइट। और बहुत केमिकल ट्रीटमेंट्स लोग करा रहे हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारे बालों पर हीट प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मतलब गर्म चीजें लगाते हैं। लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं अपने बालों की रॉड से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम गर्मी दे रहे हैं अपने बाल को, उससे भी बाल खराब हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब हेडिंग्स समझ में आई हो कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे हेयर्स की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो एक बार चलिए इसमें फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। हेयर ग्रोथ साइकिल हमारा इसमें मेन टॉपिक है। हमारी साइकिल की चार फेज होते हैं, एनाजन, कैटाजन, एलोजन एंड एक्सोजन। उसके बाद हमने देखा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लूस हेयर के अंदर सब टॉपिक मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सुपरफ्लूस हेयर क्या होते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पररी मेथड्स क्या क्या हैं सुपरफ्लूस हेयर को रिमूव करने की। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि टेम्पररी रिमूवल से क्या समझ में आता है और सुपरफ्लूस हेयर से क्या समझ में आता है। तो सुपरफ्लूस हेयर स्टूडेंट्स वो हेयर होते हैं जो अनवांटेड हैं, मतलब अनचाहे, अवांछित, जिनकी जरूरत हमें नहीं है और वो हमारी सुंदरता में रुकावट है। और टेम्पररी रिमूवल मतलब देखो कोई भी चीज दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक टेम्पररी होना और एक परमानेंट होना। तो टेम्पररी का मतलब है कुछ समय के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो यानी कि हम ऐसे हेयर्स को टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए रिमूव कर देते हैं। तो उनके क्या क्या मेथड्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे आज। चलिए तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल में आते हैं एपिलेशन। देख आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एपिलेशन, और दूसरी कैटेगरी इज कॉल्ड डेपिलेशन। अब इनके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम हर एक को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है वो ये है कि टेम्पररी रिमूवल से हमें क्या समझ में आ रहा है। टेम्पररी शब्द का मतलब ही होता है कि हम हेयर की ग्रोथ को 2 से 3 दिन के लिए रोक लेते हैं। मतलब रोक कैसे लेते हैं, मतलब वो बाल हटेंगे और 2-3 दिन बाद फिर से उस जगह पर बाल आने लगेंगे। ये जो कंसेप्ट है वो है टेम्पररी रिमूवल का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एपिलेशन से हमें क्या समझ में आता है। तो एपिलेशन के लिए हमारे पास अलग से पूरी एक स्लाइड है अपनी। देखिए एपिलेशन आपको पेपर के लिए भी याद रखना है और अपनी नॉलेज के लिए भी याद रखना है कि एपिलेशन शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है कि हम बालों को निकालने के लिए कोई यंत्र, कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज करते हैं और जो बाल हैं वो अंदर से निकल जाते हैं स्किन के। ऐसे जो मेथड हैं वो हैं एपिलेशन मेथड। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि मैकेनिकली या फिर हिंदी में अगर हम इसको कहें यांत्रिक तंत्र से की मदद से जब हम बाल को स्किन के अंदर से निकालते हैं
तब हम उसको कहते हैं एपिलेशन मेथड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एपिलेशन मेथड का ट्विजिंग। अब देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ट्विजिंग क्या होती है। यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्विजिंग। देखो ये दिख रहा है आपको, इस डिवाइस को कहते हैं हम ट्विजर, और हिंदी में चिमटी। बहुत लोग कहते हैं ना चिमटी उठा के दे दे, चिमटी उठा के दे दे, तो वो जो चिमटी होती है उसको हम कहते हैं ट्विजर। अब देखो क्या कैसे यूज करते हैं हम ट्विजर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हम ट्विजर कैसे यूज करते हैं, राइट। हम पर्टिकुलर जिस बाल को हमें रिमूव करना है, हम उस बाल को ट्विजर की मदद से पकड़ते हैं और खींच देते हैं और वो स्किन में से बाहर आ जाता है। बट ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है इसमें, राइट। और थोड़ा स्लो भी है, मतलब बहुत टाइम लगेगा ना, एक 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 बाल को देखेंगे फिर निकालेंगे, तो ये थोड़ा स्लो भी है। अब इसी कैटेगरी में, एपिलेशन की ही कैटेगरी में दूसरा है थ्रेडिंग। देखो इन सब मेथड से स्टूडेंट्स बाल कैसे निकल रहे हैं, टेम्पररली। मतलब आज आपने ट्विजर की मदद से बाल निकाला, आपको 2-3 दिन बाद वहां पर धीरे थोड़ा थोड़ा सा बाल निकलने लगेगा। परमानेंट मेथड नहीं है ये टेम्पररी मेथड है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर थ्रेडिंग। बहुत कॉमन है, सबको पता है थ्रेडिंग क्या होती है, राइट। एक थ्रेड की मदद से जब हम बालों को जड़ से निकाल देते हैं उस, तो वो कहलाता है थ्रेडिंग का प्रोसेस। अब एक चीज, एक बात स्टूडेंट जो आपको नहीं पता होगी वो ये है कि जो थ्रेडिंग का कंसेप्ट है ना, ये इंडिया से ही आया है। मतलब भारत ही एक ऐसा देश है जहां से इस थ्रेडिंग प्रोसेस का जन्म हुआ। याद रखेंगे ये पेपर के लिए भी, ठीक है। अब थ्रेडिंग और ट्विजिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, बट थ्रेडिंग इज फास्ट, बहुत ट्विजर से फास्ट होता है। और हमें अगर कोई पर्टिकुलर शेप देनी है किसी चीज को, बालों की शेप देनी है, कुछ डिजाइनिंग देनी है, तो हम थ्रेडिंग यूज करते हैं, राइट। आईब्रो में हम थ्रेडिंग यूज करते हैं, बहुत लोग अपर लिप्स भी थ्रेडिंग से ही निकलवाते हैं, राइट। इसलिए ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्या, थ्रेडिंग की। अब इसी के अंदर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वैक्सिंग। ये भी बहुत कॉमन है। वैक्सिंग मतलब बाल निकालते हैं हम एक लिक्विड मटेरियल की मदद से, जिसको हम कहते हैं वैक्स। वैक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें आप बालों को निकालते हैं और बाल जो है 4 से 5 हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं आपके। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो जाते हैं। वैक्सिंग के लिए एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि अगर आप रेगुलरली वैक्स करते हैं तो क्या होता है, आपके बाल जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं आने ही। और एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि बाल आते ही नहीं है, बहुत सारे पोर्स से बाल वहां से आते ही नहीं है। अब वैक्सिंग का कंसेप्ट क्या है, देखिए वैक्सिंग के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी करने के लिए। वैक्स चाहिए, वैक्स का हीटर चाहिए, वैक्स लगाने के लिए स्पैचुला चाहिए, पानी भी चाहिए, राइट, और पाउडर भी चाहिए उसके ऊपर लगाने के लिए, और वैक्स स्ट्रिप चाहिए वैक्स को हटाने के लिए। आप देखो कैसे होता है वैक्सिंग। वैसे तो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लेकिन अगर हम थ्योरी में भी देखें तो आपको समझना है क्या करते हैं हम। हम वैक्स हीटर में वैक्स को गर्म करते हैं, जो वैक्स हम मार्केट से लाएंगे उसको हम गर्म करेंगे, राइट। उसके बाद जो हमारे बालों की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम वैक्स लगाते हैं इसकी मदद से। क्या कहते हैं उसको, अगर आप नॉर्मली कहेंगे तो वैक्स नाइफ भी कह सकते हैं, बट उसको एक्चुअली में स्पैचुला कहते हैं। उसकी मदद से आप क्या करेंगे, बालों की डायरेक्शन में, बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में ही वैक्स लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर आप वैक्स स्ट्रिप हल्के हाथ से चिपका देंगे, उसके ऊपर से हाथ मार देंगे, पैट करेंगे, और कि उस पर मॉइस्चर ना आए, मतलब वहां पर कुछ भी नमी ना हो, तो ऊपर से आप पाउडर भी लगा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक बार में आपको स्ट्रिप पकड़कर स्ट्रिप को खींचना है
और खींचने की डायरेक्शन बाल की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, और जैसे ही आप खींचेंगे बाल निकल जाएंगे। बहुत कॉमन प्रोसेस है, प्रैक्टिकल में हम इसको देखेंगे, लेकिन थ्योरी में आपको ये समझना है कि वैक्सिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, एपिलेशन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि बाल जो हैं वो पोर्स के अंदर से निकल जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि है डेपिलेशन मेथड। डेपिलेशन मेथड के बारे में देखो, तीन एग्जाम्पल हैं, प्यूमिक स्टोन, शेविंग और डेपिलेटरी क्रीम्स। इसके नाम को ही देखकर, इन एग्जाम्पल को देख के आप कुछ तो समझ गए होंगे कि इनमें और एपिलेशन में दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इन दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है बेटा कि एपिलेशन में और डेपिलेशन में हमने क्या समझा, हमने देखा कि वहां पर तो यूज कर रहे थे हम ऐसी चीजें जिनसे जो बाल थे वो जड़ से निकल रहे थे, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में, मतलब डेपिलेशन के मेथड में, जो बाल होते हैं वो केवल सतह से निकलते हैं, मतलब जड़ से नहीं जाते। आपके स्किन की सतह के ऊपर आपको बाल नहीं दिखेंगे, लेकिन नीचे बाल होंगे। अब हम एक-एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक-एक एग्जाम्पल कहता है कि भाई, सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है, शेविंग। बहुत कॉमन है, सबको पता है कि शेविंग का कंसेप्ट क्या होता है, और ज्यादातर शेविंग का कंसेप्ट कौन यूज करते हैं, राइट, मेन, मतलब पुरुषों में शेविंग का कंसेप्ट बहुत कॉमन है। क्या कंसेप्ट है शेविंग का? शेविंग मशीन होगी, ये देख सकते हैं आप। शेविंग क्रीम लगानी पड़ेगी आपको, पहले आप क्रीम लगाएंगे, उसके बाद आप उस पर रेजर यूज करेंगे। अब रेजर का ऑप्शन है कि रेजर हमारे पास मैनुअल भी हो सकता है, मतलब कैसा, जो ऐसे नॉर्मल हाथ से चलाते हैं हम, और अब आने लग गए हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक रेजर, मतलब जो बिजली से चलते हैं, वो रेजर भी आप यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बाल हैं वो केवल स्किन के ऊपर ऊपर से रिमूव होते हैं, राइट, अंदर से बाल नहीं जाते, और बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। ऐसे पे क्या होता है, आपने आज या कल शेविंग करी, आप देखेंगे तीसरे दिन ही वहां पर बाल दिखने लगेंगे। बट इनमें क्या है कि पेन लेस होते हैं, इनमें कोई पेन नहीं होता, जैसे कि हमारे जो पहले वाले ऑप्शन हमने देखे उनमें थोड़ा बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो बाल होते हैं वो फॉलिस से बाहर निकलते हैं, मतलब जड़ से बाहर निकलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, केवल स्किन के ऊपर ऊपर से बाल जा रहे हैं, तो इट इज अ टोटली पेनलेस, मतलब कोई भी दर्द नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखो, प्यूमिक स्टोन बहुत कॉमन है घर में, ऐसा नहीं हो के तो पत्थर, बहुत लेडीज होती हैं जो पत्थर ही यूज कर लेती हैं। इनसे क्या होता है, अगर हम प्यूमिक स्टोन का यूज बहुत रेगुलरली करें तो भी कई बार देखेंगे आप उस जगह के बाल धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बाल वहां से खत्म ही हो जाते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कौन सी कैटेगरी का, डेपिलेशन कैटेगरी से। डेपिलेशन कैटेगरी में एक बात याद रखेंगे, ओवर स्किन बाल निकलते हैं, मतलब स्किन के ऊपर ऊपर के। पहले वाले में हमने पढ़ा था एपिलेशन में, उसमें जड़ से बाल निकालता है, वो बाल खींचता है बाहर, राइट। यहाँ पर लास्ट इज डेपिलेटरी क्रीम्स। देखो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, आप एड देखते हैं टीवी में, कितने एड आते हैं, वी टेट, राइट। क्या होती हैं वो क्रीम्स, कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए स्किन पे जहां पे भी आपको अनवांटेड हेयर है, जहां पे भी आपको चाहिए कि बाल यहाँ से हम हटाने हैं, हमें क्या करेंगे, आप मार्केट से कोई भी डेपिलेटरी क्रीम लेके आए, लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो प्लीज पहले इस क्रीम का एलर्जी टेस्ट करे। क्या क्या करे, एलर्जी टेस्ट। अब एलर्जी टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ के इस हिस्से पर यहाँ पर क्रीम थोड़ी सी लगा के छोड़ दें, और 10-15 मिनट बाद उसको हटाएं और देखें 12 घंटे तक कि आपको कोई इचिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो क्रीम आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ एलर्जी हुई है या आपको कुछ दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वो क्रीम आप यूज ना करें। अब क्रीम कैसे यूज करते हैं, इस क्रीम के साथ आपको स्पैचुला मिलेगा। आप क्या करें, उस हिस्से पर जहां से आपको बाल हटाने हैं क्रीम को लगा लें, और क्रीम लगा के आप 5-10 मिनट, और या फिर क्रीम के जो
जो पाउचेस होते हैं उनपे लिखा भी होता है कितनी मिनट आपको उसको रखना है, उतने मिनट आप रखें और थोड़ी देर बाद जब आपका टाइम खत्म हो जाए तो इस स्पैचुला से उसको रिमूव कर दें और फिर ठंडे पानी से उस एरिया को वॉश कर लें, धो लें। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रीम आपने स्किन के ऊपर लगाई तो उसका असर अंदर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी केवल ओवर द स्किन बाल ही रिमूव होते हैं। तो यानी कि ये भी कौन सी कैटेगरी का एग्जाम्पल हो गया, एपिलेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो कि हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा इस लेक्चर में। आपने हमने पढ़ा टेम्पररी हेयर रिमूवल, मतलब बालों को हम टेम्पररली कुछ समय के लिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमने दो मेथड्स पढ़े, पहला मेथड पढ़ा हमने एपिलेशन, दूसरा मेथड डेपिलेशन। एपिलेशन में क्या पढ़ा कि हम उन यंत्रों को यूज कर रहे हैं, ऐसे यंत्रों को यूज कर रहे हैं जिससे जो कि बाल हैं वो जड़ से निकल रहे हैं, और बाल बहुत बहुत तो नहीं कह सकते बट हाँ 2-3 हफ्ते के लिए उस एरिया से बाल खत्म हो जाते हैं और फिर थोड़े थोड़े करके वहां से निकलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो उसमें क्या होता है, उसमें दर्द होता है थोड़ा। क्या क्या मेथड पढ़े हमने एपिलेशन में, हमने पढ़ा ट्विजिंग, थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। नेक्स्ट कैटेगरी हमने देखी डेपिलेशन। डेपिलेशन में हमने कहा कि केवल ओवर द स्किन वाले बाल हटते हैं, ठीक है। अब उसमें ऑप्शंस हमने देखे, प्यूमिक स्टोन, शेविंग, डेपिलेटरी क्रीम्स, ये सब बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये सब लगभग जो हैं, एक अगर हम देखें, ये तो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है बट ये जो हैं ये एक रेगुलर यूज की चीजें हैं जो कि फीमेल्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज जरूर करती हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच।